हेलो गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 12, जो हमने लिया है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर 3 से। क्लास 9 की बुक है फ्रेंड्स, RS अग्रवाल V अग्रवाल की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन अ क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पर वैल्यू गिवन है एक्स इजिक्वल टू 2y प्लस 6। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला आइडेंटिटी। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो क्वेश्चन गिवन है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स क्यू एज इट इज़ माइनस 8y³, इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू के फॉर्म में लिखना है तो 2y का होल क्यूब माइनस में फ्रेंड्स। इसके बाद हमें सी क्यू चाहिए, सी क्यू मीन्स 216, इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, 6 का क्यूब है, तो सी की जगह फ्रेंड्स हमें क्या मिल गया है, माइनस 6 एंड माइनस 36xy, इसको हमें ब्रेक करना है माइनस 3abc के फॉर्म में। तो सबसे पहले माइनस एज इट इज़ हो जाएगा, 3 एज इट इज़ हो जाएगा, इसके बाद इंटू ए की जगह हमें क्या पुट करना था, एक्स, बी की जगह हमें क्या पुट करना है, 2y, और सी की जगह हमें क्या पुट करना है, 6। तो फ्रेंड्स इस तरह से अभी हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे 3 × 2 = 6, 6 × 6 36, 36xy आ गया माइनस का, जो कि यहाँ पे है सेम है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे सही तरीके से इसे ब्रेक कर लिया है। अब हमें जो एक्स ए बी सी की वैल्यूज़ हमें मिली हैं, ए की हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिली है, अगर हम कंपेयर करें आइडेंटिटी से, तो ए की वैल्यू एक्स मिली है, बी की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिली है फ्रेंड्स, माइनस का 2y, और इसी तरीके से सी की हमें क्या वैल्यू मिली है, माइनस का 6। तो फ्रेंड्स ये तीनों वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस 2y माइनस 6 इंटू में ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2y का स्क्वायर, इसके बाद से प्लस सी स्क्वायर मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर, इसके बाद से माइनस ए बी मीन्स माइनस ए की जगह है एक्स और बी की जगह क्या है, माइनस का 2y, इसके बाद माइनस बी सी, तो माइनस की जगह माइनस हो गया, बी की जगह माइनस 2y हो गया, और सी की जगह क्या है, माइनस का 6। इसी तरीके से माइनस ए सी, तो माइनस की जगह माइनस हो गया, ए की जगह एक्स है और सी की जगह क्या है, माइनस का 6। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये पूरा अरेंज करके लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक्स माइनस 2y माइनस 6, इसकी वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ से हमने पहले ही कैलकुलेट कर दी थी, ये क्या है, 0, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 0 को मल्टीप्लिकेशन इस पूरे टर्म से होगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं, या तो एक बार हमें अगर ये लिखना है सॉल्व करके तो वो भी लिख सकते हैं, और उसके बाद फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। इसको एक स्टेप और हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 4y² यहाँ पे 6 × 6 36 माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया 2xy यहाँ पे माइनस 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 3 टाइम्स है तो माइनस ही रहेगा, 6 × 2 = 12 वाई हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स है माइनस तो प्लस 6x हो जाएगा। अब इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 0, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, या तो इस तरह से कह सकते हैं ये आ गई हमारी वैल्यू, एक्स क्यू माइनस 8y³ माइनस 30xy माइनस 216 की वैल्यू 0, जबकि एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 6 यहाँ पे गिवन था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया है। सोल्यूशन काफ़ी छोटा है फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी जो हमें अप्लाई करनी है वो हमें ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 12 हमने सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरीके के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।